हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं। एक भीषण युद्ध जो है वो इन दोनों देशों के बीच में काफी दिनों से चल रहा है। पूरा विश्व जो है इस मसले को लेकर चिंतित है और हर एक बीतते दिन के साथ जो तबाही की तस्वीरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। युद्ध के दौरान रशिया द्वारा बहुत ही खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के जो एम्बेसडर है यूएन में, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि कुछ ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है विच आर मेंट फॉर ह्यूज डिस्ट्रक्शन। तो इस विषय पे, इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल रशिया द्वारा यूक्रेन के अंदर किया जा रहा है, किस टाइप के वो वेपन्स हैं, उनको हम यहां पर समझेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है, जुडिशरी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, इस कोड SHUBH33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये कोड जो है, इसकी मदद से आप 33% डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। तो हाल ही के दिनों में जो मंजर रशिया और यूक्रेन के बीच में बना हुआ है वो हम सभी देख रहे हैं। इस दौरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक मानव अधिकारों को प्रमोट करने वाला एक समूह है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसी के साथ में ह्यूमन राइट्स वॉच, दोनों ही संगठन ऐसे हैं जो मानव अधिकारों को बनाए रखने में अपनी भूमिका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाते हैं। इन दोनों ही ग्रुप्स ने, और साथ ही साथ यूक्रेन के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने, राजदूत जो है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाम पहली बार सुने हो, क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब। इनके बारे में हम बात करेंगे, क्या होते हैं ये क्लस्टर बॉम्ब, वैक्यूम बॉम्ब, किस तरीके से ये तबाही मचा सकते हैं और क्या इनका इस्तेमाल करना सही है, क्या ये लीगली राइट है वॉर की सिचुएशन में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना, इन सभी बातों को समझेंगे। वैक्यूम बॉम्ब्स आर सेट टू बी मोर डिवास्टेटिंग देन दी कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स। आपने अभी तक कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स के बारे में सुना होगा, जिस तरीके के हैंड ग्रेनेड आती होते हैं, उनसे ये जो वैक्यूम बॉम्ब्स हैं या क्लस्टर बॉम्ब्स हैं ये बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये साइज में उतने ही होते हैं, साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरीके के कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स हैं, ये वैक्यूम बॉम्ब्स हैं वो भी साइज में इतने ही होंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो इंपैक्ट है, इनका जो प्रभाव है वो बहुत बड़े पैमाने पर फील किया जाता है। एक दायरे में जहां ये ब्लास्ट होता है उसके रेडियस में कोई भी ह्यूमन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, वो सारे के सारे जो है ध्वस्त हो जाते हैं जब भी इस प्रकार का कोई वैक्यूम बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट होता है। तो यूक्रेन ने ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने का जो है वो इस बात की जानकारी दी है कि रशिया इस तरीके के खतरनाक हथियार यहां पर यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इस हथियारों की अगर हम बात करें तो ये एक नेसेसरी ईविल कहा जाता है, एक ऐसी बुराई जिसकी जरूरत है, क्योंकि सभी देशों को अपनी सुरक्षा करनी है। अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ये हथियार जो है वो किसी भी देश के लिए बनाना जरूरी हो जाते हैं। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसी के साथ में, उसी पेस पर, उसी स्पीड से चेंज हो रहे हैं वॉरफेयर, युद्ध करने का तरीका, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, वो भी उसी स्पीड के साथ में चेंज हो रहे हैं और उनमें भी एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। अभी तक जो वेपन्स है जिनका नॉर्मली इस्तेमाल होता है वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं विच थ्रो मेटल फ्रेगमेंट्स। बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी अगर वेपन एक्सप्लोड होता है तो उससे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, छर्रे जिनको कहा जाता है, वो लोहे के छर्रे निकलते हैं और जाकर के जिसको भी ये छर्रे लगते हैं उसको इंजर्ट करते हैं। अगर ज्यादा ये छर्रे लग जाए तो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। लेकिन यहां पर सिंपल सा तरीका था कि ब्लास्ट हो रहा है, छोटे छोटे लोहे के छर्रे निकल रहे हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और बहुत तेजी से निकलते हैं, जिससे वो किसी भी
अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी जिन वेपन्स का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे युद्ध में हो रहा है वो इस तरीके के कन्वेंशनल वेपन्स नहीं है, वो इतनी शक्ति रखते हैं कि एक ही बार में एक इंसान को पूरा का पूरा वेपराइज कर सकते हैं, यानी इंसान की पूरा का पूरा इंसान जो है वो भाप बन सकता है, इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है इन वेपन्स के अंदर मौजूद है। इनको कहा जाता है वैक्यूम बॉम्ब्स। क्या है ये वैक्यूम बॉम्ब वो हम समझेंगे। वैक्यूम बॉम्ब जिसके लिए थर्मोबारिक वेपन का इस्तेमाल भी, क्या नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोबारिक वेपन, ये हीट के कंसेप्ट पे चलते हैं। ये यहां पर ये बॉम्ब क्या करता है, जब भी ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है ये अपने आसपास के एरिया से ऑक्सीजन जो है उसको खींच लेता है, जिस वजह से सराउंडिंग्स में कुछ समय के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से इसको नाम दिया जाता है वैक्यूम बॉम्ब। जैसे ही ये ब्लास्ट होगा इसका सबसे पहला काम क्या होगा, अपनी सराउंडिंग से ये ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा इस इलाके में, इस सराउंडिंग एरिया में कुछ समय के लिए वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से इसका नाम वैक्यूम बॉम्ब है। इसको थर्मोबारिक वेपन भी कहा जाता है। थर्मो यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू हीट, बहुत ही हाई टेम्परेचर इसके एक्सप्लोजन से जनरेट होता है और ये इतना हाई टेम्परेचर जनरेट करता है विच इज इनफ टू वेपराइज अ ह्यूमन बॉडी। एक इंसान अगर इसकी चपेट में आए तो उसकी पूरा का पूरा शरीर जो है वो सेकेंड्स में भाप बन जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा तापमान इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से पैदा होता है। ये वेपन जो है ये दो स्टेजेस में फायर होता है। द वेपन विच कैन गो ऑफ इन टू सेपरेट स्टेजेस कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ रॉकेट और टैंक और लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। एक रॉकेट लॉन्चर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, एक टैंक से फायर किया जा सकता है या फिर किसी विमान से गिराया जा सकता है। तो इस तरीके का ये वेपन हो सकता है थर्मोबारिक बॉम्ब जिसको कहते हैं या वैक्यूम बॉम्ब जिसको कहते हैं। तो किसी टैंक से फायर किया जा सकता है, किसी रॉकेट लॉन्चर से इसको फायर किया जा सकता है या फिर इसको विमान से गिराया जा सकता है। ये टू स्टेज में एक्सप्लोड होता है। जैसे ही ये किसी टारगेट के साथ फिट करता है पहला एक्सप्लोजन होता है जिससे बॉम्ब जो है वो अपने कंटेनर से बाहर आ जाता है। इस तरीके के कंटेनर के अंदर एक्सप्लोजिव्स मौजूद होते हैं। किसी टारगेट के हिट कर के साथ हिट करते ही पहली स्टेज में एक्सप्लोजन होता है और ये कंटेनर जो है इससे बाहर आ जाता है एक्सप्लोजिव, और उसके बाहर आते ही एक क्लाउड ऑफ फ्यूल और मेटल पार्टिकल जो है वो बहुत बड़े एरिया पे फैल जाता है। पहला स्टेप क्या है, ये टकराएगा टारगेट के साथ, कंटेनर से एक्सप्लोजिव बाहर आएंगे, फ्यूल और मेटल पार्टिकल्स एकदम से बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड करेंगे। उसके बाद दूसरा इसका एक्सप्लोजन होता है। पहले एक्सप्लोजन में जैसे ही किसी दुश्मन की ओर ये फायर किया जाता है तो इस तरीके से एक एक्सप्लोजन होगा, यहां पर ये हिट करते ही अपने कंटेनर से बाहर आएगा और इस तरीके से फ्यूल और मेटल पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर की ओर फैलेंगे। उसके इमीडिएटली बाद होता है सेकेंड एक्सप्लोजन, जहां पर ये मेटल पीसेस और फ्यूल जो है वो दोबारा से एक्सप्लोड करता है, जिससे एक बड़ा क्लाउड जो है वो पैदा होता है, जिससे हीट जनरेट होती है और ब्लास्ट वेव्स आती हैं, धमाके के कारण तरंगे पैदा होती हैं विच कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स एंड शेल्टर्स। जिसके कारण आपने कभी सुना होगा कि बहुत जोर का धमाका हुआ जिसकी वजह से खिड़कियों के कांच आदि टूट गए, तो इस किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजन में वेव्स जो है वो निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को काफी जोर से वाइब्रेट कर सकती हैं, जिस वजह से शीशे आदि टूटने की खबर जो है वो सामने आती है। और यही प्रिंसिपल जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में ये एक्सप्लोजिव जो है वो अपने कंटेनर से बाहर आएगा और उसके बाद इस एक्सप्लोजिव में दोबारा से एक विस्फोट होगा जो एक बहुत बड़ा क्लाउड पैदा करेगा और साथ ही साथ इसके साथ में तरंगे निकलेंगी जो बिल्डिंग्स को और शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा देंगी। ये जो सेकेंड एक्सप्लोजन है उससे एरोसोल क्लाउड बनता है, फ्यूल और मेटल के पीसेस जो है उनका एक बड़ा सा क्लाउड बनता है जिससे ब्लास्ट वेव्स पैदा होती हैं दैट कैन इवन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, उसको नुकसान पहुंचाएगी। और जैसे मैंने पहले बताया इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि मानव का शरीर जो है वो वेपराइज कर जाता है। अब ये कहना है यूक्रेन का किस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो कितना ज्यादा इनह्यूमन होगा यूक्रेन के लोगों के लिए, किस समय से, किस सिचुएशन से ये लोग हर रोज डील कर रहे होंगे, कितना बड़ा खतरा इनके लिए मंडरा रहा है। ये ब्लास्ट जो है इट कैन लास्ट फॉर सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टाइम देन अ ब्लास्ट कॉज्ड बाय कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव।
कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से जितना विस्फोट होता है, जितना धमाका होता है, उससे ज्यादा लंबे समय तक ये विस्फोट रहता है, ये धमाका जो है वो रहता है, जिस वजह से, क्योंकि जितना लंबा ये धमाका चलेगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये पैदा करेगा। ये बॉम्ब जो है क्रिएट्स अ प्रेशर वेव दैट सक्स आउट द ऑक्सीजन। ये एकदम से अपने आसपास सराउंडिंग से ऑक्सीजन को जो है वो पहले सक करता है और उसके बाद इससे ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके पास मौजूद किसी भी व्यक्ति के फेफड़े जो है वो फट सकते हैं, लंग्स को रैप्चर कर सकता है। अपने आसपास से ऑक्सीजन खींचने के कारण ही इसको वैक्यूम बॉम्ब कहा जाता है। और एकदम से जब ये ऑक्सीजन खींच करके एक्सप्लोड होता है तो उसका इतना इंटेंस प्रेशर होता है कि किसी के भी लंग्स को ये रैप्चर कर सकता है। यहां पर हमने बात करी कि वैक्यूम बॉम्ब्स या क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्लस्टर म्यूनिशन क्या है? म्यूनिशन यानी कि युद्ध सामग्री। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर का अगर हम अंग्रेजी भाषा का मतलब देखें तो ये होता है ग्रुप या समूह। नॉर्मली एक वेपन जो है, एक बॉम्ब जो है, वो सिंगल एमिनेशन होता है, यानी कि एक बार वो ब्लास्ट होगा। लेकिन क्लस्टर एमिनेशन क्या है? जहां पर एक के बाद एक बैक टू बैक ब्लास्ट होते हैं उसको क्लस्टर एमिनेशन कहा जाता है। इसके लिए एक डेफिनेशन जो है वो डिवाइस की गई थी 2008 की कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2008 में क्लस्टर म्यूनिशन को रोकने के लिए कन्वेंशन बनाई गई थी। उसके हिसाब से क्लस्टर म्यूनिशन क्या है? कन्वेंशनल म्यूनिशन दैट इज डिजाइन टू डिस्पर्स और रिलीज एक्सप्लोसिव सब म्यूनिशंस ईच वेइंग लेस देन 20 किलोग्राम। कन्वेंशनल तरीके से बॉम्ब जो है वो एक सिंगल होता है, लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन क्या है? एक बड़ा बॉम्ब जिसके अंदर इस तरीके के कन्वेंशनल वेपन्स बहुत सारे हों, एक ग्रुप में ये एक्सप्लोजिव जो है वो मौजूद हों, और किसी एक का भी वेट जो है वो 20 किलोग्राम से कम होगा, यानी कि छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स का एक बड़ा सा ग्रुप, उसको क्लस्टर म्यूनिशन कहा जाता है। नॉर्मली एक सिंगल वेपन जो है वो फायर होगा, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा ग्रुप फायर होता है, इसको कहा जाता है क्लस्टर म्यूनिशन। इसी वजह से टर्म क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि ग्रुप। तो एमिनेशन जो है, एक्सप्लोजिव जो है वो ग्रुप में फायर किए जाते हैं। Essentially, cluster munitions are non-precision weapon. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक इसमें लगाते हैं। आप अपने हाथ से एक पत्थर फेंकते हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने में, और वहीं पर आप एक साथ चार पत्थर फेंकते हैं उस टारगेट को हिट करने में, तो सबसे ज्यादा लाइकलीहुड है कि जब आपने एक सिंगल पत्थर मारा है तो उसकी डायरेक्ट टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा प्रसिशन से जाएगा। वही सेम लॉजिक यहां पर इस्तेमाल होता है। अगर सिंगल बॉम्ब को फेंका जाए तो वो ज्यादा एक्यूरेसी से टारगेट हिट करता है, वेयर एज जब इस तरीके के क्लस्टर म्यूनिशंस फायर होते हैं तो वो उनकी प्रेसीजन, उनकी सटीकता इतनी ज्यादा नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि वो गलती से अपने टारगेट को मिस कर जाते हैं, दरअसल इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब ये फायर हो तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को नुकसान पहुंचा सके, मोर डैमेज। ये इंटेंट है कि अगर एक सिंगल बॉम्ब फायर होगा वो जाकर के अपने टारगेट को हिट करेगा और उसके आसपास के थोड़े एरिया को डैमेज करेगा, लेकिन जब इस तरीके से क्लस्टर फायरिंग होगी तो वो बड़े एरिया को तहस नहस करने में काम आएगी। इसका उद्देश्य ही किसी बड़े एरिया को नुकसान पहुंचाना होता है, वाहनों को नुकसान पहुंचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रनवेज, रेलवेज और पावर ट्रांसमिशन लाइंस। अगर रेल की पटरियां उखाड़नी है, रनवे खराब करने हैं या बिजली की तारों को नुकसान पहुंचाना है, तो उनके लिए इस तरीके के क्लस्टर एमिनेशन का इस्तेमाल होता है। They can be dropped from an aircraft or launched in a projectile that spins in a flight, scattering many bomblets as it travels. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी टैंक से इसको फायर किया जा सकता है, तो अपनी ट्रैजेक्टरी में ये बहुत सारे बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करता हुआ जाता है, जिस वजह से ग्रुप ऑफ एमिनेशन को क्लस्टर एमिनेशन का नाम दिया जाता है। मैनी ऑफ दीज, अब यहां पर एक और बड़ी दिक्कत है, ये बहुत सारे बॉम्बलेट्स जो है वो ड्रॉप करता है, एक्सप्लोजिव ड्रॉप करता है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि जितने एक्सप्लोजिव ड्रॉप किए जाते हैं वो सारे के सारे ब्लास्ट नहीं होते हैं। मैनी ऑफ दीज बॉम्बलेट्स एंड अप नॉट एक्सप्लोडिंग, यानी कि वो बॉम्ब जो है वो किसी जगह पर गिर तो जाएगा लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होगा। अब यहां पर एक बड़ी दिक्कत है, अब यहां पर ये बॉम्ब जो है वो गिरा हुआ है, जब तक इसको यहां से सेफली हटाया नहीं जाएगा यहां के पर रहने वाले लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल में रहेगा। अब वॉर लाइक सिचुएशन है, इस समय में इसको हटाना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि घरों के अंदर लोकेलिटीज में इस तरीके के बॉम्ब जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जो भी एक्सप्लोड नहीं हुए, लेकिन एक थ्रेट जो है वो बना हुआ है, क्योंकि नोबडी नोज ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो ये क्या है, ये बहुत लंबे समय तक ग्राउंड पे पड़े रहते हैं, कई बार दिख जाते हैं, कई बार छुपे हुए पड़े रहते हैं, जिस वजह से इनको लोकेट करना या रिमूव कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे एक बड़ा थ्रेट जो है वो पैदा होता है। भैया आज की डेट में सबको मालूम है कि वॉर जो है वो चल रही है, जब भी
वार्निंग सायरन बजता है, सब लोग शेल्टर होम्स में चले जाते हैं ताकि बॉम्बिंग से बच सके। लेकिन बॉम्बिंग के दौरान अगर कोई बॉम्बलेट ऐसी जगह पे गिर गया जहां किसी किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी और कुछ लंबे समय बाद अगर लोग वहां पहुंचे और वो ब्लास्ट कर गया, तो उससे लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। जिस वजह से ये बॉम्बलेट जो है, इवन जब ये युद्ध खत्म भी हो जाएगा उसके बाद भी लंबे समय तक लोगों के लिए खतरा बना रहेगा। ये वैक्यूम बॉम्ब्स, अब आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके की तबाही ये वैक्यूम बॉम्ब्स जो है वो फैला सकते हैं। ये वैक्यूम बॉम्ब्स पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा बनाए और इस्तेमाल किए गए थे वियतनाम में। ये जानकारी जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट 2000 के द्वारा दी गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ने अपने ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट 2000 में जो पब्लिश करी, उसमें ये बात कही थी कि पहली बार इस तरीके के क्लस्टर मनीशन या वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा किया गया था और इन्हीं ने इनको बनाया था। इसका इस्तेमाल उन्होंने वियतनाम के अगेंस्ट वियतनाम वॉर में किया था। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने भी इसका इस्तेमाल किया था 1969 में अगेंस्ट चाइना, और अब रशिया द्वारा अगेन यूक्रेन में इसका इस्तेमाल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये इतना डेंजरस हो सकता है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या इसको रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है? अगर हम जानते हैं कि ये वेपन इतना डेडली हो सकता है, तो इस पर, इसको बनाने या इसके इस्तेमाल पर किसी प्रकार के रोक टोक जो है कोई कानून नियम नहीं बनाए गए हैं। एक कन्वेंशन हुई है इसको लेकर के, जिसका नाम है 2008 कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, जिसने क्लस्टर म्यूनिशन की डेफिनेशन दी थी। ये कन्वेंशन जो है It was started in response to suffering caused by cluster munitions which had killed and injured thousands of civilians in the countries where they have been used. जब देशों को लगा कि cluster munition या इस तरीके के weapons के कारण हजारों की तादाद में लोग जो है उनकी जान जा रही है, खासकर उन देशों में जहां इनका इस्तेमाल हुआ वहां हजारों लोगों की जान चली गई, तो उस समय countries को समझ में आया कि ऐसे weapons को use करने पर रोक लगानी होगी। इसी वजह से मई 2008 में 107 countries ने इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई जहां पर इस प्रकार के वेपन्स के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई। तो जब ये कन्वेंशन साइन हुई उस समय 2008 में 107 देश जो है वो इसके मेंबर थे। करंटली ये नंबर जो है वो 110 है, लेकिन रशिया और यूक्रेन दोनों ही इस कन्वेंशन में सिग्नेटरीज नहीं है, यानी कि वो इस कन्वेंशन के तहत नहीं आते हैं। प्रेजेंटली 110 स्टेट्स जो है वो इस कन्वेंशन की पार्टीज है। इंडिया is again not a signatory to this convention. भारत भी जो है वो इस convention के लिए signatory नहीं है। तो ये भी जानना important हो जाता है, क्योंकि इन weapons का इस्तेमाल हो रहा है, तो exam के अंदर इन weapons और इनको रोकने के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय protocols पे बात हो सकती है। 2008 का कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो एम करता है क्लस्टर म्यूनिशन के इस्तेमाल को रोकने पर, लेकिन क्योंकि नीदर रशिया नॉर यूक्रेन आर मेंबर्स, तो ये कन्वेंशन जो है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। एडिशनल नॉलेज ये है कि भारत भी जो है वो इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों, आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा कि इस युद्ध के दौरान किस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने डिस्ट्रक्टिव वो हो सकते हैं, कैसे वो काम करते हैं, सभी बातों को हमने विस्तार से समझा है। अब किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।